डिलीवरी के बाद मेरा वजन बेहद बढ़ गया था, पर अब कसरत करना ही मेरा जुनून बन गया है। अब मैं बाकी सब चीजों के बिना रह सकती हूँ, पर कसरत के बिना नहीं रह सकती। अगर परमात्मा की वजह से मैं तंदुरुस्त रही तो मैं आगे चलकर और भी एक्टिविटी करूंगी। आजकल बहुत डाइटिशियंस आ गए हैं। कुछ लोग कार्ब्स खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं, वह आटे से बनी कोई चीज नहीं खाते। सभी चीज हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी है, बस हमें अपनी डाइट हेल्दी रखनी चाहिए। आजकल के नौजवानों को एक तो स्टेरॉयड मार गया और दूसरा नौजवान नशे की ओर जा रहे हैं। हमें अपनी सेहत के लिए समय निकालना चाहिए और खाने से संबंधित अच्छी आदतें डालनी चाहिए। वैसे तो बचपन तो ही इस चीज से इंटरेस्ट ही, पर उस तो बाद जदों आफ्टर डिलीवरी कह दो मैं बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन कर लिया सी। मेरा नाम मनजीत कौर है, मैं पंजाब के जिला लुधियाना की रहने वाली हूँ। इस चीज में मेरे बचपन से ही दिलचस्पी थी। डिलीवरी के बाद मेरा वजन थोड़ा सा बढ़ गया था, फिर मैंने 6 महीनों में अपना वजन कम किया। तब मैं जिम नहीं जाती थी, मैंने घर पर ही वॉकिंग करना, बैडमिंटन खेलना, डांस करना और स्टेयर्स क्लाइंबिंग करना शुरू किया, जिसके बाद मुझे पता ही नहीं चला कि कब मेरा वजन कम होने लगा और कसरत करना मेरा जुनून बन गया। अब मैं बाकी सब चीजों के बिना रह सकती हूँ, लेकिन कसरत के बिना नहीं रह सकती। वर्कआउट में मैं वेट ट्रेनिंग, क्रॉसफिट, फंक्शनल ट्रेनिंग, योगा और स्ट्रेचिंग करती हूँ। मैं पर्सनल ट्रेनिंग भी देती हूँ। मैं बैडमिंटन, हॉर्स राइडिंग, शूटिंग, स्विमिंग, कराटे में नेशनल लेवल की चैंपियन भी रह चुकी हूँ। मैं फिटनेस से जुड़े हुए कई सारे कॉम्पिटिशन्स और एथलेटिक्स में भी हिस्सा ले चुकी हूँ। मुझे अभी भी लगता है कि मैं और कोई नई चीज सीखूं और आगे बढ़ूं। मैं अभी रुकना नहीं चाहती। अगर परमात्मा की कृपा रही, मैं तंदुरुस्त रही, तो मैं आगे चलकर और भी एक्टिविटीज करना चाहूंगी। हमें अपने भोजन को हमेशा दवाई समझकर खाना चाहिए। हम भोजन जिंदा रहने के लिए खाते हैं, जिससे हमारे डाइट में 6 चीजें जरूर होनी चाहिए। कार्ब्स, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, फैट और पानी, ये सभी चीजें हमारे शरीर के लिए जरूरी हैं। आजकल बहुत डाइटिशियन आ चुके हैं, बहुत डाइट चार्ट स्टार्ट हो चुके हैं। कुछ लोग तो कार्ब्स खाना बिल्कुल बंद कर देते हैं। मेरे पास कई स्टूडेंट्स आए हैं जो आटे की बनी कोई चीज नहीं खाते। सारी ही चीजें हमारे शरीर के लिए बेहद जरूरी हैं। आप जितना खाते हो उतनी ही कैलोरीज बर्न करनी चाहिए। पिछली पीढ़ी के लोग तो 1 किलो घी तक पी जाते थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं होता था, क्योंकि वह उतना ही मेहनत भी करते थे। आजकल हमारा शारीरिक गतिविधियां कम हो चुकी है और डाइट में जंक फूड खाने लग गए हैं। मैं कहती हूँ कि आप जितना साधारण खाना खाएंगे उतने ही आप अच्छे और फिट रहेंगे। हमें अपनी डाइट हेल्दी रखनी चाहिए। अगर आपके शरीर में कोई कमी है तो आप टेस्ट करवा सकते हैं और विटामिन, मिनरल्स जैसी चीजों को खाने में अपने शामिल कर सकते हैं। लेकिन आपको स्टेरॉयड कभी नहीं लेने चाहिए, इसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है। जो लोग बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनको तो स्टेरॉयड लेना ही पड़ता है, लेकिन जिनको अपनी बॉडी को सिर्फ फिट रखना है वे नेचुरल डाइट भी ले सकते हैं, नेचुरल तरीके से अच्छी बॉडी बना सकते हैं। मैं सभी को ये कहना चाहती हूँ कि आप स्टेरॉइड और नशे से दूर रहें। आजकल के नौजवानों को एक तो स्टेरॉइड मार गया, साथ ही साथ दूसरा नौजवान नशे की ओर जा रहे हैं। नौजवान नशे से पैसा बर्बाद कर रहे हैं और अपने परिवार को भी दुख दे रहे हैं। इससे अच्छा आप अपने शरीर पर ध्यान दें। आपके शरीर की सुंदरता बढ़ेगी और लोग आपको देखकर मोटिवेट भी होंगे। मेरे अपने शरीर को खुद के लिए फिट बनाया है, पर लोग मुझे देखकर बहुत खुश होते हैं और मुझे भी खुशी मिलती है। आपको अपनी क्वालिटी को जानना होगा, उसे निखारना होगा। और मैं सभी को यही कहना चाहती हूँ कि आप बहाने बनाना छोड़ दें, शरीर को फिट रखें, समय समय पर आप अपनी हेल्दी डाइट को फॉलो करें। खुश रहें, आप खुश रहेंगे तो आपका परिवार भी खुश रहेगा।